हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि मेरे पास एक डायपोल है तो उस डायपोल के कारण इक्विटोरियल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो पहले मुझे ये पता करना होगा कि इक्विटोरियल पॉइंट मैं किससे कहता हूं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डायपोल एक्सिस है, इसका कुछ सेंटर होगा। इस सेंटर पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, तो मैं इस लाइन को बोलूंगा इक्विटोरियल लाइन और ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा इक्विटोरियल पॉइंट। क्लियर इतनी बात। तो मुझे इस इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लेट से मेरे पास ये एक डायपोल है, ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल 2a। इस डायपोल के कारण इस पॉइंट पी पर जो कि इक्विटोरियल लाइन पर है, मुझे क्या पता करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। देखो जब मैं आगे बढ़ूंगा ना, तो मुझे थोड़ी चीजें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स का बहुत छोटा सा टूल है ना, जो आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा है। इसके साथ साथ अगर ये वाला एंगल थीटा तो देखो ये वाला एंगल भी थीटा, ठीक है ना, ये वाला एंगल भी थीटा। इसको देखो, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसकी तरह से ये वाला एंगल थीटा तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एंगल थीटा तो देखो ये एंगल थीटा, इसी तरह से ये वाला एंगल थीटा तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा। ये बेसिक रूल है। इसके साथ साथ एक और रूल सुनो कि यदि पूरी फिजिक्स के अंदर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल थीटा से झुकी हुई है, यानी कि इंक्लाइंड है, तो हम उस क्वांटिटी को रिजोल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, है ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पॉइंट पी है, ठीक है ना, ये पत्थर है, मान लो ये पत्थर है, इस पत्थर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है किसी एंगल थीटा से, तो इसका मतलब इस पत्थर को दो डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, एक ऐसे और एक ऐसे, तभी तो जा रहा है ये बीच में, यानी कि ये आगे बढ़ाएगा और ये वाला कंपोनेंट ऊपर खींचेगा। तो देखो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा होता है हम उसको बोलते हैं कॉस थीटा कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात, ये सारी बातें हम समझते हैं। चलिए देखो, तो यहां पे देखना, देखो ध्यान से, इस माइनस क्यू के कारण देखो इसके सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पी तक मुझे डिस्टेंस पता, मतलब फील्ड निकालनी है, उसको मैं बोलता हूं ये आर डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब देखो ये है ए, ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट P पर वो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में, माइनस Q, माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, बोला अंदर की साइड, Q चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड। तो माइनस Q के कारण इस पॉइंट P से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बोला इस साइड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करते हैं, देखो ये देखो माइनस क्यू कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये एंगल थीटा तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल, ये एंगल भी थीटा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये और ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये वाला एंगल, ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा। तो देखो ये ई कॉस थीटा, ये ई साइन थीटा, प्लस क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ऐसे, ठीक है ना, और एंगल बन रहा है ऐसे। तो ऊपर वाला कंपोनेंट जिसका ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, और आगे वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा। अब देखो इस साइड दो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा के, एक कंपोनेंट ऊपर ई साइन थीटा, एक कंपोनेंट नीचे ई साइन थीटा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पी पे। हमने देखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, डिस्टेंस बराबर है इस पॉइंट पी से, डिस्टेंस बराबर है। तो अगर हम मतलब साइन कंसीडर करेंगे तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। तो हमने क्या बोला कि हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन हमने क्या बोला कि प्लस क्यू चार्ज के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, माइनस क्यू चार्ज के कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी किसके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का साइन बना दिए, ये मॉड बार लगा दी, ठीक है ना। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो ऊपर चार कंपोनेंट है, ई साइन थीटा ऊपर तो ऊपर वाले के लिए प्लस साइन, ई साइन थीटा नीचे तो नीचे वाले के लिए माइनस साइन, दोनों ई कॉस थीटा लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वाले के लिए माइनस साइन, ठीक है ना। अब देखो ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कैंसिल हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, माइनस टू ई कॉस थीटा, और ये मॉड के अंदर है, किसके लिए अंदर, मॉड के अंदर, ठीक है। अब आप जानते हो बेसिक क्लास से कि जब आप मॉड में से किसी भी चीज को बाहर निकाल दो तो वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टू ई कॉस थीटा, ठीक है ना, ई नेट का मैग्नीट्यूड, ये जो डंडे है ना ये बाहर है, क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को, ठीक है, कुछ नहीं करना, 2e cos थीटा, e का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो देखो फॉर्मूला 1/4π0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों में से कोई सा भी q ले सकता हूं क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड। तो q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इससे देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात, ठीक। अब देखो 2e की वैल्यू हो गई cos थीटा, cos थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस a अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, बस
इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड 2, ई की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना, ई की वैल्यू ये हो गई। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गई, जैसे कैसे पुट कर दी, ठीक है ना, रूट इसका स्क्वायर रूट हटा दूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। ई नेट का मैग्नीट्यूड इसको आगे बढ़ाऊंगा, 2qa क्या होता है, पी, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 पाई एप्सिलॉन नीचे है, ठीक है ना, r² + a² दोनों बेस कॉमन है, पावर है कितनी, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, बेस कॉमन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, कितनी हो गई, 1 + 1/2 3/2, है ना, एक और आधी यानी कि डेढ़, तो डेढ़ को क्या लिख दू, 3/2, ठीक है। इसके बाद इफ r इज मच ग्रेटर देन a, यदि r जो है a से बहुत बहुत बड़ा है तो हम इस a को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट यानी कि हटा देते हैं, तो a को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बचेगा, r² की पावर 3/2, तो ये लिख दिया r² की पावर 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन p / r³, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, r³, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, ये है मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी कि ये स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए जब मैं वेक्टर बोलूंगा तो मैंने ये देखो मैग्नीट्यूड का साइन हटा दिया, ये डंडे ये बार हटा दिए मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, पी क्या है, डायपोल मोमेंट, पी डायपोल मोमेंट किस तरह की क्वांटिटी, वेक्टर, ठीक है ना, किस तरह की क्वांटिटी, वेक्टर, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से लेके प्लस तक, माइनस से लेके प्लस तक। डायपोल मोमेंट के ऊपर जब मैंने वेक्टर लगाया तो लगा दिया यहाँ पर नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा ये तो कैंसिल हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, देखो दोनों ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डायपोल मोमेंट ऐसे, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट, इस ऑपोजिट साइन को ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका स्केलर फॉर्म और ये इसका वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।